बिहार की आधा दर्जन परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। अधिकांश परियोजनाओं में राज्य सरकार की तरफ से जरूरी आवश्यकताएं लगभग पूरी कर दी गई हैं। इन सभी के निर्माण से राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, साथ ही आम लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अररिया के रानीगंज में चिड़ियाघर की मंजूरी, भारतमाला के दूसरे चरण की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, जेपी सेतु के समानांतर नए गंगा पुल का निर्माण, कोसी मेची लिंक परियोजना मुख्य रूप से शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार अररिया के रानीगंज में बनने वाले चिड़ियाघर के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी और केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार अब भी है। इस संबंध में मास्टर प्लान भेजने के साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया है। राज्य के इस दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण करीब 289 एकड़ में होना है। राज्य में भारतमाला के दूसरे चरण में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। इसमें से वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसे छोड़कर अन्य एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी के PIB की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है, जिसमें रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे शामिल है। इसमें से रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 695 किलोमीटर लंबाई में लगभग 54,000 करोड़ की अनुमानित लागत से बनेगी। वहीं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल प्रस्तावित लंबाई करीब 519 किलोमीटर है, जिसमें 84 किलोमीटर हिस्सा UP यानी के गोरखपुर, देवरिया व कुशीनगर जनपद में पड़ेगा। वहीं बक्सर से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे बनना है। अभी बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने की योजना है, जिससे भागलपुर को जोड़ने पर भागलपुर का सीधा जुड़ाव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हो जाएगा। इसकी लंबाई करीब 350 किलोमीटर में होगी। आपको बता दें कि बक्सर से बिहटर तक तो ये एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब पटना से इसको आगे जोड़ना है जो कि भागलपुर तक जाना है। इसके साथ ही पटना से कोलकाता तक एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 450 किलोमीटर होगी। भारतमाला परियोजना चरण 2 के तहत यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे NH2 के विकल्प के रूप में काम करेगा, जिस पर सिर्फ भारी वाहनों का परिचालन हो सकेगा। करीब 7 किलोमीटर लंबाई में करीब 2635 करोड़ के अनुमानित लागत से जेपी सेतु के समानांतर नए 6 लेन के गंगा पुल को बनाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIB की मंजूरी मिलने के बाद इसे बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया था। इसके बाद इस पुल को बनाने के लिए भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना जरूरी है। फिलहाल इस मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग राज्य सरकार लगातार कर रही है। इसके बावजूद अब तक इसे राष्ट्रीय परियोजना की मंजूरी नहीं मिल सकी है। यह मंजूरी मिलने पर इस पर केंद्र सरकार के खर्च की हिस्सेदारी 90% और राज्य सरकार की 10% हो जाती है, जिससे पहले मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना को यह मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल कोसी मेची लिंक पर केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% हिस्सेदारी से खर्च करेगी। वहीं राज्य सरकार गंगा सहित मुख्य नदियों को गाद मुक्त करने के लिए भी केंद्र सरकार से राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने की मांग लंबे समय से करती आ रही है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे नदियों में बाढ़ की पानी का प्रबंधन किया जा सकेगा, साथ ही बाढ़ से राज्य का बचाव होगा और नदियां भी स्वच्छ होंगी। तो ये सारी परियोजनाएं ऐसी है जो कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर नहीं किया गया है।